बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि एक इंसान अपने आप को किस तरह से खुद ही नुकसान पहुंचाता है। अगर वो शख्स अब दुरुस्त राह पर रहे और सही तरीके पर अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उसकी तालीमात पर अमल करे, तो किस तरह से वो अपने आप को उन नुकसानात से बचा सकता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है। मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त जिनका चैनल देसी फूड ऑब्सेशन है, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको उनके चैनल से मिलेंगी। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब उस चैनल पर ज़रूर जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनकी जो बताई गई वीडियोस हैं, जो रेसिपीज़ हैं, उन सबको ज़रूर देखें। आप यकीनन उनसे इस्तेफादा उठाएंगे। एक बादशाह ने एक अजीमोशान महल तामीर करवाया जिसमें हज़ारों आईने लगाए गए थे। एक मर्तबा एक कुत्ता किसी ना किसी तरह इस महल में जा घुसा। रात के वक़्त महल का रखवाला महल का दरवाज़ा बंद करके चला गया, लेकिन वो कुत्ता महल में ही रह गया। कुत्ते ने चारों जानब निगाह दौड़ाई तो उसे चारों तरफ हज़ारों की तादाद में कुत्ते नज़र आए। उसे हर आईने में एक कुत्ता दिखाई दे रहा था। उस कुत्ते ने कभी अपने आप को इतने दुश्मनों के दरमियान फंसा हुआ नहीं पाया था। अगरचे एक आध कुत्ता होता तो शायद वो इससे लड़कर जीत जाता। लेकिन अब की बार इसे अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी। कुत्ता जिस तरफ आंख उठाता उसे कुत्ते ही कुत्ते नज़र आते। ऊपर और नीचे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते थे। कुत्ते ने भौंक कर इन कुत्तों को डराना चाहा। ध्यान रहे कि दूसरों को डराने वाला दरअसल खुद डरा हुआ होता है, वरना किसी को डराने की ज़रूरत ही क्या है। जब कुत्ते ने भौंक कर उन कुत्तों को डराने की कोशिश की तो वो सैकड़ों कुत्ते भी भौंकने लगे। उसकी नस नस कांप उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था। सुबह चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो महल में कुत्ते की लाश पड़ी थी। इस महल में कोई भी मौजूद ना था जो उसे मारता। महल खाली था, लेकिन कुत्ते के पूरे जिस्म में ज़ख्मों के निशान थे। वो खून में लथपथ था। उस कुत्ते के साथ क्या हुआ? खौफ के आलम में वो कुत्ता भौंका, झपटा, दीवारों से टकराया और मर गया। हमारे सभी ताल्लुकात, सभी हवाले आईनों की मानंद हैं। इन सब में हम अपनी ही तस्वीर देखते हैं। नफ़रत से भरा आदमी ये देख रहा होता है कि सब लोग उससे नफ़रत करते हैं। लालची आदमी को यूँ मालूम होता है कि सब उसको लूटने के मंसूबे बना रहे हैं। वो अपनी लालच की तस्वीर दुनिया के आईना खाने में देखता है। फ़कीर कहता है कि सारी दुनिया एक ही इशारा कर रही है कि छोड़ दो सब कुछ, भाग जाओ दुनिया से। हम जो कुछ भी हैं वही कुछ हमें अपने चारों तरफ दिखाई पड़ता है। सारा जग आईना है जिसमें हमें अपना आप ही दिखाई पड़ रहा होता है। अपने इर्द गिर्द के आईने को अपने अमल, किरदार और अखलाक के साथ साफ़ रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आईना हमारे लिए राह निजात भी है और बाइस पकड़ भी। मेरे ख़्याल में कहानी का मकसद अपने इर्द गिर्द के आईने को अपने अमल, किरदार और अखलाक से साफ़ रखने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारा आईना भी हमारी निजात और हमारी गिरफ्त का सबब है। फिर क्यों ना आज से ही इस पर अमल करें। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे मैंने ये महसूस किया कि हमें अपने दिल के आईने को साफ़ रखने की ज़रूरत है ताकि हम राह निजात को हासिल कर सकें।
उम्मीद है आप सब भी अपने दिल के आईने को साफ रखेंगे। शुक्रिया।